अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो वही लेक्चर स्टार्ट से पहले आप बच्चों के लिए एक मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स 9th 10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कहें कि मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने की दरख्वास्त करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस हासिल करें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे ना तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और तमाम क्लासेस के 10th क्लास तक तमाम सब्जेक्ट्स के हमारे पास तालीमी वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग नंबर 11 और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमारा 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल किस तरह डिस्कवर हुई, कौन से साइंटिस्ट ने अहम रोल प्ले किया और ये होती क्या है पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स, जो अभी हम पढ़ के हैं पहले 2 चैप्टर्स में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरह अरेंज किए गए, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट क्या थी, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होती हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे इस 3rd चैप्टर में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आयन किस तरह बनता है, आयन इलेक्ट्रोनेफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ आता है। इन 19th सेंचुरी केमिस्ट ने डिवोट किया मच ऑफ देयर एफर्ट्स इन अटेम्प्ट्स टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कहते हैं 19वीं सदी में बहुत से केमिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की कि ये एलिमेंट्स इधर आएगा, ये एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी एफर्ट्स होती रही। दीज एफर्ट्स रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। फिर एक पीरियोडिक लॉ बना कि हम इस लॉ के तहत तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, अब इस लॉ के बेसिस पर क्या हुआ था, द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, उस वक्त जो एलिमेंट्स हमने दरियाफ्त कर लिए थे, वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हमने एक टेबल बनाई और उसमें अरेंज कर दी, जिस टेबल का नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल। यानी फॉर एग्जाम्पल उस वक्त 20 25 30 एलिमेंट्स हमने दरियाफ्त किए होते, हमने उसको एक टेबल में अरेंज कर लिया, तो इसलिए हम उसका नाम बना दिया पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे और एलिमेंट्स अरेंज दरियाफ्त होते गए फिर हम उसको अरेंज करते गए। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द टेबल, इस पीरियोडिक टेबल का खास फीचर क्या था, वाज दैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोस एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। अब मजे की बात के इस पीरियोडिक टेबल का एक फायदा ये हुआ कि जो एलिमेंट्स हमने अभी दरियाफ्त नहीं किए तो इस टेबल ने हमने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से प्रिडिक्ट करवा दी, ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये फायदा हुआ हमें टेबल में अरेंज करने का कि ये मेटल्स है तो कुछ मेटल्स आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती है, नॉन मेटल्स की ये हो सकती है। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम थे उस टेबल के उसे हमने ग्रुप्स का नाम दिया था, याद है ना, ये वर्टिकल कॉलम ये होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो वर्ड और रोज हॉरिजॉन्टल रोज ये होती है इस लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, अप से नीचे डाउन की तरफ आए तो ये कॉलम कहलाता है और रोज की कहलाती है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, ये रो। तो वर्टिकल कॉलम को उसने नाम दिया ग्रुप्स है और हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने क्या नाम दिया पीरियड्स है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जनरली कोइंसाइडेड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये एलिमेंट्स किस बेस पे अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक नंबर के बेस पे, यानी एक का एटॉमिक नंबर 1 है तो अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 2, जिसका एटॉमिक नंबर 2, फिर अगला हम किस में रखेंगे 3, तो इस तरह ये अरेंज किया गया।
अब देखते हैं ये डिस्कवरी किस तरह हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, सब से जानते होंगे कि ये हमारे ये पीरियड्स कहलाते हैं, ये वाले ये इस तरह, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ये ग्रुप एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तो ये 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते रहेंगे, तो ये पीरियोडिक टेबल, ये हमें पता होना चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं, हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको ग्रुप में रखा गया है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है, इस तरह ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? विद द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड टू स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स। वो कहते हैं जब डिस्कवरी हुई पीरियोडिक टेबल की तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इज रिड्यूस्ड। अब हर एलिमेंट की उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से बेहतर है कि हम उन कुछ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दें, फिर हम कहें कि इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है ना वही इन तमाम एलिमेंट्स की है। जैसे हम नाइन्थ क्लास आप पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री, अब तो मैंने जो आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उसको मैंने सिर्फ नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री पढ़ानी है, ठीक है, मैं आप लोगों को टेंथ क्लास की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने एक आपका ग्रुप बना दिया नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री, तो मैं सिर्फ आपको नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि मेरे लिए आसानी होगी। मुझे नहीं पता आप लड़के आपका नाम कौन सा है या कुछ नहीं, मुझे इतना पता है कि आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ग्रुप्स बना दें, उसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल दें, तो फिर वो आसानी होगी कि जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी वही उसी एलिमेंट का। जैसे नाइन्थ क्लास आपकी नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स भी किसके होंगे, नाइन्थ क्लास के होंगे। तो उसने कहा ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होगी वही उसी एलिमेंट्स की होगी। तो ये फायदा है ग्रुप्स बनाने का। वी विल डिस्क्राइब वेरियस अटेम्प्ट्स दैट विच वर मेड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अब कुछ अटेम्प्ट्स की कुछ साइंटिस्ट ने अरेंज करने की कोशिश की, उसको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। सबसे पहले डॉब्रेनर्स ट्राइएड्स एक साइंटिस्ट था, अ जर्मन केमिस्ट डॉब्रेनर ने ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। अब उसने काफी ग्रुप्स देखे और उसमें देखा कि तीन एलिमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक बेस की रिलेशनशिप पे सिमिलर है। ऑब्जर्व किया उसने ऑब्जर्व किया कि रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास, क्या उनका एटॉमिक मास ऑफ सेवरल ग्रुप, काफी ग्रुप्स का, ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के काफी ग्रुप्स का जो एटॉमिक मास था उसको उसने नाम दिया ट्राइएड्स, तीन से निकला है तो ये ट्राइएड्स। इन दीज ग्रुप्स, इन तीन ग्रुप्स की क्या खासियत थी, the central or middle element had atomic mass average of the other two element. जो central element होता था ना middle element, वो atomic mass average होता था दो other element, यानी एक element इधर है, एक element तीसरा इधर है और एक element इधर है। तो ये इसका जो atomic mass होता था ना वो इस वाले और इस वाले की average mass होता था। तो इस तरह उसने arrange करने की कोशिश की। On ट्राइएड ग्रुप एग्जाम्पल उसने दिए दैट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास नंबर है 40, स्ट्रोंशियम का है 88 और बेरियम का है 137। अब बेरियम और स्ट्रोंशियम उसने एक तरफ रखा, बीच में उसने कैल्शियम रख दिया। अब इन दोनों का एवरेज करें तो तकरीबन 40 आता है। तो इस तरह इसने हाफ करने की कोशिश की। The atomic mass of strontium is the average of atomic mass of calcium and barium. यानी कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वही स्ट्रोंशियम का मास होगा। उसने इस तरह कोशिश की अरेंज करने की। द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज द एवरेज, एवरेज किसकी, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की एंड बेरियम की, बेरियम की। ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे। अभी इसके लिए मुश्किल था कि हर जगह हमने तीन एलिमेंट्स देखने थे, फिर उनका ग्रुप देखना था, फिर उनकी एवरेज, तो ये बहुत मुश्किल था। इस तरह एलिमेंट्स कभी भी अरेंज ना होते। अब हम हर किसी टीम को पकड़ते तो किसी का एवरेज मैच नहीं आ रहा था। तो ये उसने ट्राई जरूर की थी पर ये सेटिस्फाई ट्राई नहीं थी। तो इसलिए डॉबनर्स का ट्राइएड्स ये फार्मूला था कि उसने तीन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, एक सा कि बीच वाले का जो मैच होगा वो दो का एवरेज होगा। इस तरह उसने और ग्रुप्स एलिमेंट्स अरेंज करने की कोशिश की। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले साइंटिस्ट की तरफ, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ये एक साइंटिस्ट था, आफ्टर सक्सेसफुल डिटरमिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिजेरो इन 1860। 1860 में कैनिजेरो ने एटॉमिक मैस की सक्सेसफुल डिटरमिनेशन कर ली थी कि ये इनके एटॉमिक मैसेज है एलिमेंट्स। वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज उसी बेस पे, एटॉमिक मैसेज के बेस पे दोबारा से एलिमेंट्स अरेंज करने की कोशिश की गई। In 1864 में ब्रिटिश एक केमिस्ट न्यूलैंड जिसका नाम था पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, उसने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस पेश की इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन सा लॉ था उसका? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव 8 को कहते हैं। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रेपिटेशन इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज by every eighth element if they were arranged by their atomic mass. उसने कहा अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिए अरेंज करूं कि किसी का एटॉमिक मास 1 है, किसी का 3 है, 5 है, सही है, ये 5 है, किसी का 7 है, तो उसने कहा फिर 1, 2, 3, 4 किसी का 8 है, किसी का 9 है, इस तरह उसने अरेंज करने की कोशिश की, किसी का 10 है। तो उसने नोट किया कि हर जब हम इसको एटॉमिक मास के अरेंज करते हैं तो आठवां जो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करती है, सेम आती है। लेकिन दोबारा उसने कहा कि ही नोटेड, नोटेड का देयर वाज अ रेपिटेशन, रेपिटेशन हो रही है, सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठवें एलिमेंट की, हर आठवें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो रही है। If they were arranged by increasing atomic masses, अगर उनको अरेंज करें एटॉमिक मैसेज से, he compared it with musical notes, musical जो म्यूजिक होता है उसकी जो नोट्स है उसके साथ उसने कंपेयर किया, उसमें भी ऐसा ही होता है। His work could not get much recognition as no space was left for undiscovered element. अब ये बात उसने यहाँ तक कोशिश की कि मैं अगर एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मैसेज के जरिए अरेंज कर लूँ तो हर जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। चलो इस तरह उसने अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पेस नहीं छोड़ी थी कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से लेके 8 तक एलिमेंट्स अरेंज कर दूं, ठीक है, फिर 8 से 16 तक कर दूं, और अब इनके दरमियान कोई एक एलिमेंट नया डिस्कवर हो जाए जिसका मास नंबर 15 और 14, तो उसकी उसने जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए इसका ये जो मॉडल था ये भी फ्लॉप हो गया, ये भी आगे चल नहीं सका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाला, ये हमारा मेन साइंटिस्ट था जिसकी वजह से उसने पीरियोडिक टेबल हमें दी, जिसका नाम था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम जो करते हैं वो इसी पीरियोडिक टेबल पर बेस करती है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है लेकिन मेन जो बेसिक है वो मेंडेलीव नहीं दी थी पीरियोडिक टेबल। ये एक रशियन केमिस्ट था, मेंडेलीव अरेंज द नोन एलिमेंट्स। अब जो उस वक्त एलिमेंट्स हमें पता थे ओनली 63, जो 63 थे उस वक्त, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अब उसने किससे अरेंज किया था? एटॉमिक मैसेज के जरिए उसने अरेंज करना शुरू कर दिया। अब सारा कुछ हो रहा है एटॉमिक मैस पे, इन हॉरिजेंटल रोज, उसने हॉरिजेंटल रोज में अरेंज करना शुरू कर दिया, यहाँ से पकड़े एलिमेंट्स और ऐसे चलता रहा, ठीक है, कॉल पीरियड्स, जिसे उसने पीरियड्स कहा, सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसे हॉरिजेंटल रोज में करूं तो जो एलिमेंट्स होंगे सेम प्रॉपर्टी वाले वो आपस में ऑटोमेटिकली कॉलम में आना शुरू हो जाएंगे, कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो इस कॉलम में आ जाएगा खुद, जिसकी हो जाएगी वो इधर आ जाएगा। तो ये इसने इस तरह अरेंज करने की कोशिश की, मेंडेलीव ने अरेंज किए नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज की बेस पर उसने अरेंज किए इन हॉरिजेंटल रोज, किसमें? हॉरिजेंटल रोज, जिसे उसने पीरियड्स कहा, सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिस एलिमेंट के जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो वो सेम वर्टिकल में आ जाए जिनको उसने कॉलम्स कहा था, ठीक। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, इस अरेंजमेंट को उसने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। ये अरेंजमेंट क्या कहलाई गई? पीरियोडिक टेबल।
अब देखते हैं उसने क्या कहा, ही पुट फॉरवर्ड, अब उसने रिजल्ट्स निकाले, ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक ला। अब जो उसने जितना भी काम किया उसने ये अपना जो वर्क है वो किस ला में पेश किया कि एक पीरियोडिक ला विच इज स्टेटेड। अब उस ला क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक होती हैं। पीरियोडिक मतलब कहते हैं रिपीट हो रही होती हैं, रेपिटेशन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज मैसेज की। देखो से प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, पीरियोडिक कहते हैं एक चीज जो रिपीट हो रही है, पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस होता है किसका, ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो ये उसने एक पीरियोडिक ला दिया था, जो ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि कौन सा मेंडलीव ने कौन सा पीरियोडिक लॉ दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ऑल्दो अगरचे अब हुआ क्या था, ऑल्दो मेंडलीव, एक मिनट, although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, तो Mendeleev की जो पहली periodic table थी जिसने कोशिश की थी elements को arrange करने की, yet it has a few demerits, demerits कहते हैं कुछ उसमें defects जरूर थे। अब जाहिर सी बात है अब इसने कोशिश, पहली attempt थी तो इसकी कोशिश थी लेकिन इसके अंदर demerits जरूर थे। His failure, क्या था, his failure to explain the position of isotopes and wrong order of atomic masses, उसकी ये जो position थी वो fail हो गई थी कि हम isotopes को कैसे arrange करेंगे। हमें पता है ना कौन के atomic masses different होते हैं isotopes के, atomic number same होते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, एक element के तो तीन तीन isotopes है और तीनों के atomic mass different है, तो आप कैसे अरेंज करोगे। तो यहाँ पर मसला हुआ था, his failure to explain the position of isotopes, कि isotopes की position क्या रखूं, and wrong order of the atomic masses of some elements, कुछ elements के उसने जो wrong order दिए थे atomic mass, suggested that atomic mass of an element cannot serve, तो ये हमें बताएगा कि हम atomic mass से elements arrange नहीं कर सकते, atomic mass से करेंगे तो isotopes परेशानी करेंगे। तो यही यहाँ पर इसका डिफेक्ट हुआ कि एटॉमिक मास की जगह कुछ और होनी चाहिए, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें जो और जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे उन्हें ये कंफर्म हो गया कि अब जो एलिमेंट्स जो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पे किए थे वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, एटॉमिक मास के अलावा कुछ और चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सके। फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब जाहिर सी बात है ये बेस तो उसी पे कर रही थी मेंडलीव की, ठीक है, क्योंकि मेंडलीव ने एक बेस प्रोवाइड की थी, वो और बात थी उसके अंदर डिफेक्ट से डिमेरिट से, लेकिन हमें बेस मिल गई थी कि हाँ अब अगर एटॉमिक मास की से ना अरेंज करें तो किससे करें। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस होती है, एटॉमिक नंबर से, ये बात याद रखना। जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे हैं अरेंज, मैं आपको दोबारा एक चीज दिखा देता हूँ कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी स्टार्ट में जो, अब ये जो जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं यहाँ पर, जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं उन वो किसकी बेस पर अरेंज है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ये तीन इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तीन के बाद क्या है, एटॉमिक नंबर चार, फिर एटॉमिक नंबर पांच, छह, तो जितनी भी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर अरेंज की गई है, एटॉमिक नंबर, तो यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न कहते हैं जो अब हम चल यूज कर रहे हैं या हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू एस्पेक्ट, वो कहते हैं एटॉमिक नंबर ज्यादा बेहतर है जैसे कि एटॉमिक मास पे, क्यों, दो इसकी वजूहात हैं, नंबर वन इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, अब एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, एक एलिमेंट का वन है तो दूसरे का दो है, तीसरे का तीसरा है और अगले का चौथा एटॉमिक नंबर है, यानी वन से लेके स्टार्ट है, वन से लेके
जितने भी एलिमेंट्स हैं 92 है 118 है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग है, जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं है, किसी का मैथ्स नंबर 1 है तो किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 11 है, तो ये रेगुलर तो नहीं है ना नंबर, 1 है फिर 3 है फिर 5 है 11, नंबर रेगुलर ये होता है 1 2 3 4, तो ये एक एडवांटेज था कि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज करता है एलिमेंट्स है नहीं। दूसरा इसका क्या था कि इट इज फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, अब एटॉमिक नंबर फिक्स है, बेशक आइसोटॉप्स हो या न्यूट्रल एलिमेंट हो या एक ही कोई आइसोटॉप ना भी हो, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स रहता है। तो दो अचीवमेंट हुई जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं यार एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की वजह से। So the discovery of atomic number of an element in 1913 के अंदर ये discovery हुई to change the Mendeleev's periodic table को क्या किया हमने atomic mass से किसमें convert कर दिया atomic number में, क्योंकि Mendeleev's की periodic table थी atomic mass पर, हमने इसको change किसमें कर दिया atomic number, plus बाकी चीजें वैसी हुई, अब एटॉमिक नंबर पर हमने इसे चेंज कर दी। अब देखते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अरेंजमेंट एलिमेंट्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, के एलिमेंट्स किस बेस पे अरेंज किए गए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक बार मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको क्लियर हो कि हम किस तरह हमने अरेंज किया। ये देखो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 हमने इस तरह अरेंज करना शुरू कर दिया, इसका 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, फिर हमने अगला एलिमेंट बोल लिया जिसका 4 है, फिर अगला एलिमेंट बोल लिया जिसका 5 है, इस तरह देखो नंबर वाइज हमने शुरू कर दिया, यहाँ 10 पे आके रोक दिया, फिर यहाँ 11 से स्टार्ट किया, फिर ये 12 13, इस तरह हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको अरेंज करना शुरू कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम एक स्लाइड मिस कर गए, इसको देख लेते हैं पहले कि पीरियोडिक लॉ, वैसे भी स्टार्ट में ये बता दिया लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं, पीरियोडिक लॉ क्या था, इन 1913 एक पीरियोडिक लॉ पेश किया गया कि मोज़ले डिस्कवर्ड, किसने मोज़ले ने डिस्कवर किया अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर, उसने एटॉमिक नंबर क्या किया डिस्कवर किया, ये जैसे हमने आगे पढ़ा, ही ऑब्जर्व दैट, ये पीरियोडिक लॉ है, He observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of element in the periodic table. It's called periodic law. Periodic law क्या कहा? उसने कहा कि elements को arrange कर रहे हैं वो atomic mass के बजाय किसकी base पर हम arrange कर रहे हैं? Atomic number की base पे। इसको जिसको हमने periodic law दिया। अब देखते हैं periodic law क्या कहता है? Properties of the elements are periodic. जैसे मेंडेलीव ने कहा था एटॉमिक मास और यहाँ पर आएगा एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट करती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, याद आ रहा है ना मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, लेकिन जो मोज़ले ने 1913 में जो पीरियोडिक लॉ दिया था इस पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आपको कहे कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है तो फिर आपने वही लिखना, लेकिन आपसे कहे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था फिर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर की बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज वो क्या होती है रिपीट होती है, इसकी बेस पे एटॉमिक नंबर की बेस पे, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, हमें सब पता है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर, ये बात भी सही है, तो ये बात उसने नोट की थी। Now modern periodic table हम start कर रहे थे, इसका second part अब देखें कि when the elements are arranged, जब हम elements को arrange करते हैं according to increasing atomic number from left to right, left कहते हैं ये और right ये, तो जब हम elements को arrange कर रहे होते हैं left से लेकर right की तरफ,
इन हॉरिजेंटल रोज। अभी मैंने कहा था इसको क्या कहते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हम रोज कहते हैं, और ये ऊपर से नीचे आए तो इसे कॉलम कहते हैं, ये घूर्णन नहीं है। Properties of the elements were found repeating after regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in same group. अब उसने कहा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करने लगेंगे एलिमेंट, जिसे हम रोज कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग, तो ये देखा गया है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। अभी हमने देखा था कि हाइड्रो 10 के बाद जब हम एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे तो जब हम 11 पे आए थे तो 11 वही वापस उसी ग्रुप में आता, इसका मतलब है 3 से 11 तक प्रॉपर्टीज रिपीट की है। After regular intervals, वो क्या कहता है? Properties repeat करती है, such that elements of similar properties and similar are placed in the same group. मैं दोबारा आपको इसको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या है, same repeat क्यों हो रही है। ये देखें, ये वाला ग्रुप पकड़े, सेकेंड पीरियड है और फर्स्ट ग्रुप है, ये ऐसे देखूंगा तो ये सेकेंड पीरियड हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ये सेकेंड पीरियड, और अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप। अब इसको पकड़ते हैं, नंबर 3 इसको अरेंज किया 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर जाकर जब हमने नोट देखा तो 11वें की जो प्रॉपर्टीज है वो ऊपर वाले के साथ मैच कर गई, तो यानी यहां तक प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, यहां पे पीरियोडिक हो गई, यहां पे प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक दूसरे आपस में मैच करी। जब भी ये एक ग्रुप में आए, फिर ये देखो ऐसे करते जाए, फिर ये पोटाशियम के हमने देखा सोडियम के साथ मैच करी, ये होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन, तो इसलिए हमने पोटाशियम भी इसी ग्रुप में डाला, सोडियम भी और लिथियम भी एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद हम ये स्लाइड देखते हैं कि इट वाज ऑब्जर्व्ड, अब ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, कि हर 8वें एलिमेंट पे 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। मैं दोबारा इसको दोबारा जाता हूं देख करता हूं आपको, 8वें एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये देखो एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 एलिमेंट के बाद वो कहता है जो 9वां एलिमेंट है, अब 10 है ना, 10 के बाद क्या आएगा, क्या वो कहता है जो 9वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले के साथ मैच कर रही है, जहां से ऊपर वाला फर्स्ट है ना उसके साथ मैच कर रही है। अब इस 11वें को फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये जो 9वां एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले के साथ मैच कर रही है, तो ये याद रखें, ये चीज हमने पीरियोडिक टेबल ये बताता है, ये फायदा पीरियोडिक टेबल का, तो जो सेम एलिमेंट्स है उसको हमने सेम जगह रख दिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम, अभी हमने एग्जांपल दिए हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू लिथियम, कि सोडियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ ऊपर है, लिथियम के साथ, जो उसके ऊपर था। After atomic number 18 atomic number के बाद every 19th element was showing similar behavior. अब वो कहता है कि जैसे जैसे period बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर तो 8 element हो गए, यहाँ तक 8 element थे, अब जब हम चौथे period की बात करेंगे, अब इसके अंदर है 18 elements, ये देखो 19 से लेके अगर आप 36 तक देखो तो यहाँ 18 एलिमेंट्स है, तो इस केस में अब 8वें एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट नहीं करेगी, अब ये किस पे करेगी, 18वें एलिमेंट, इसका मतलब है जो 37 वाला होगा एलिमेंट वो 19 वाले के साथ मैच करेगा। अब आई समझ, ऊपर था 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही थी, अब ये जो चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही है, तो इसी तरह 37 को देखेंगे तो ये जो 55 वाला है ये 37 के साथ मैच करेगा, तो क्योंकि चौथे पीरियड में ज्यादा एलिमेंट्स हैं इसलिए हम कहेंगे कि 18 के बाद उसकी प्रॉपर्टी मैच हुई है। ये जब हम पीरियड्स डिस्कस करेंगे तो ये हम अब इसमें उसने ये कहा एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर, याद रखना कि जो 3 पीरियड तक है वो तो 8 एलिमेंट के बाद हम कह देंगे कि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जब अगर हम फोर्थ पीरियड की तरफ जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज अब कितने के बाद मैच करेगी, 18 एलिमेंट्स के बाद मैच करेगी।
सो द लॉन्ग रोज ऑफ जितनी लंबी रो होगी एलिमेंट की वो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो 18 पे बात करेगा या 8 के बात करेगा. सो लॉन्ग रोज लंबी रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 एंड 18 एलिमेंट्स एंड प्लेस वन अबव द अदर सो दैट द टेबल ऑफ वर्टिकल वाज ऑफ 10. तो हमने क्या कहा कि 8 वाली जो 8 वाली रो थी एलिमेंट्स की वो ऊपर लिख दी, जो 18 वाली थी वो हमने नीचे, इस तरह हमने डिवाइड कर दी पीरियोडिक टेबल. लास्ट टाइम हम देखते हैं हमारा फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा कि स्टार्ट पहले वाले में जो पहला पीरियड था उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और ये 2 से. दूसरा जो पीरियड है और जो तीसरा पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8. ठीक हो गया. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम इनको अलग अलग लिख दिए. अब जो चौथा पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये सारे अगर हम देखें तो ये 18 एलिमेंट है. ठीक है, इनको हमने नीचे लिख दिया. तो वो कहता है इस तरह हमने पीरियडिक टेबल अरेंज किया. आज तक के लिए हमारा यही था रिकॉर्डिंग नंबर 11 के, हमने इस रिकॉर्डिंग नंबर 11 को किस तरह स्टार्ट किया. तो नेक्स्ट टाइम